असलकुम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो मैंने बनाई है वैका सॉफ्टवेयर पे, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैका कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, और जो है इसमें हमने डाटा कैसे एंटर करना है, कोड वैका फाइल कैसे क्रिएट करनी है, तो ये सारा कुछ मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले वैका फाइल डाउनलोड करनी है, तो आप लोगों ने उसका लेटेस्ट वर्जन करना है, और अपने सिस्टम टाइप की प्रॉपर्टीज़ में, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है कि उसकी कितनी रैम है और कितने बिट की जो है आपकी वो विंडो है। तो उसकी जितनी सिस्टम टाइप होगी आप लोगों ने उसी हिसाब से जो है वैका की फाइल को, वैका को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वैका का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.9.5 वैका, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि लेटेस्ट वर्जन, तो इस तरह भी आपको जो है वैका का लेटेस्ट वर्जन जो है वो मिल जाएगा। जैसे आप लोग इस तरह जाके अपने गूगल क्रोम पे लिखेंगे तो आप लोगों को वैका का जो है वो मिल जाएगा कि कौन सी फाइल आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ पे लिखा होगा 3.9.5 फॉर विंडोज, यहाँ से आपने जो है वैका को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। वैका का इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, जैसे बाकी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। आपने भी इसको इसी तरह डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपने जो है इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा आपको, ये आपने यहाँ से वैका का जो है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन कर लेना है। इसके बाद जब आप डाउनलोड इसको कर लेंगे तो आपने जिस फोल्डर में इसको डाउनलोड किया होगा उसमें आपने इसको ओपन करना है। और उसके बाद आपने इसको रन करना है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, ठीक है। ये है वैका की फाइल जो मैंने डाउनलोड की है, इसको आपने रन करना है। आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, यस या नो का ऑप्शन होगा, तो आपने यस को पे क्लिक करना है, देन आप लोगों ने नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, तो फिनिश कर देना है, ठीक है। इस तरह आपका जो वैका है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपका जो वैका है ना वो यहाँ पे आपको शो होगी फाइल्स, जो ये वाली फाइल है वैका 3.9.5, इसको आप जब क्लिक करेंगे देन आपके वैका जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, इसको ओपन करने से पहले मैं आप लोग को बताऊँ कि आपने वैका की फाइल क्रिएट कैसे करनी है, वैका फाइल कैसे बनानी है। तो आपने उसके लिए एमएस एक्सेल को ओपन करना है, और उसमें कोई भी जो भी डाटा है आपके पास टेबल है उसको आपने जो है टाइप करना है एक्सेल की फाइल में। जब आपके एक्सेल की फाइल में आप जो सारा डाटा एंटर कर लोगे तो आप लोगों ने उसको कोमा डेलिमिटेड की टाइप जो है सिस्टम के उसमें जो है सेव करना है। तो जैसे अब देखें एमएस एक्सेल ओपन होगा, मैंने जैसे डाटा पहले एंटर किया हुआ है वो यहाँ सारा शो होगा। तो ये देखें मैंने जो डाटा वैका की फाइल का जो है जो भी टेबल वगैरह आपको मिला होगा आपने डाटा ऐसे इसमें एंटर कर देना है सारा। इसको आपने जब एंटर कर दिया डाटा को तो इसको आपने देन सेव करना है। ये देखें इसको मैंने सेव किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको सेव कीजिएगा, मैंने सेव किया, मैं आपको सेव एज करके बताती हूँ कि आपने कैसे इसको सेव करना है। इसको कोई भी नाम दे दें, और उसके बाद जो उसकी सिस्टम टाइप है वो CSV कोमा डेलिमिटेड जो है आप लोगों ने चूज़ करनी है, ठीक है। जो भी आपने टाइप यूज़ करनी है एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए वो है CSV कोमा डेलिमिटेड, नेम आप इसका कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट अब इसको मैं बंद करूं, इसको कर देते हैं क्योंकि ये बाद में आपके काम आएगा। अब ये जो है आपकी एक्सेल फाइल क्रिएट हुई है, आपने कॉमा डेलिमिटर में इसको सेव किया। अब इसको आपने ओपन विद नोटपैड करेंगे, ओपन विद नोटपैड ओपन करके आपने इसकी थोड़ी सी बस चेंजिंग करनी है। अब ये आप देखें, नहीं ये देखें, ये जो रिकॉर्ड है, और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जो मैंने पहले वैका फाइल क्रिएट की है वो भी यही है सारी। इसको ओपन विद नोटपैड करें,
ये देखें, यहां से लेके यहां तक इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इतने डाटा को आपने कुछ नहीं करना एज इट इज, जो ये है डाटा आपका लिखा हुआ ये सारा वही है, इसको आपने कुछ नहीं करना। बाकी ऊपर ही है थोड़ी बहुत जो चेंजिंग करनी है, ये देखें इस रो को आपने ये कट कर देना है, ठीक है। उसकी जगह आप लोगों ने लिख देना है ये वाला असेंबल और साथ में डाटा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना है कि आपके पास कितने एट्रीब्यूट है और कितने रिलेशन जो है क्रिएट हो रहे हैं। रिलेशन का मतलब है कि आप अपने जो टेबल आप फाइल क्रिएट कर रहे हो उसका नाम बता रहे हो कि आपने क्या नाम रखा है, ठीक है, उसका टेबल का क्या नाम है। तो आपने उसको रिलेशन में उसका नाम बताया कि ये आपका जो क्रिएट कर रहे हैं वो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अब आपके पास एट्रीब्यूट कितने हैं ये एक्सेल की फाइल में आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 क्या है एट्रीब्यूट्स हैं। इनको आपने वन बाय वन जो है लिख देना है, ठीक है। ये देखिए ये सैम्पल सबके साथ लगाएंगे। एट्रीब्यूट क्या है, आईडी, आईडी में क्या शोर है रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ इसकी जो है टाइप वो रियल कर दी। फिर हमारे पास सेकंड एट्रीब्यूट है स्टूडेंट, तो ये देखिए हमने सेकंड एट्रीब्यूट स्टूडेंट, और इसमें क्या आ रहा है अंडर ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएट, ठीक है। तो सिंपली हमने अंडर ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएट लिख दिया। फिर इसी तरह क्लास परफॉर्मेंस, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, अटेंडेंस एंड फाइनल रिजल्ट, ये सारा सिंपल वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत भी चेंजिंग करेंगे, यानी कि कॉमा के बाद स्पेस दी है हमने, ठीक है, अगर हम ये स्पेस नहीं देंगे तो हमारी जो वैकल्पिक फाइल ओपन नहीं होगी, एरर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना, हमारे छोटे छोटे एरर्स होते हैं, उसकी वजह से वैकल्पिक फाइल क्लियर नहीं होती और एरर शो करवा देता है और जावा स्क्रिप्ट का कोई ऑप्शन आ जाता है। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से ये काम करना है। अब जैसे मैं ये सारा ही यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ये वाली जो रो है ना इसको कट करना है। अब ये सारा वही है जो वो हमने वैकल्पिक फाइल क्रिएट किया, बिल्कुल वैसे ही। अब मैं इसमें थोड़ी सी बस चेंजिंग करूँगी। सपोज करें ये एफ है और इसको मैंने स्मॉल एफ के साथ जो है लिख दी है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करने जा रही हूँ। सेव किया और इसकी जो है हमने फाइल क्या करनी है, मैरी डॉट, हमने अब यहाँ से ध्यान से देखे ARFF, इसकी जो एक्सटेंशन जो है वो क्या रखनी है ARFF, और सेव कर देना। अब इसको आप शॉर्ट कर दें और ये वाली तो क्लोज ही कर देते हैं और ये भी क्लोज कर देते हैं। अब देखें हमने ये वाली फाइल क्रिएट की है, अब इसको हम ओपन करते हैं। अब जैसे ही ओपन होगी तो आप लोग देखेंगे कि इसमें एरर शो होगा क्योंकि हमने वो एफ जो था स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया था। जब आप बैकअप को ओपन करेंगे तो देन आपके पास ये ऑप्शन जो है आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लोर कर दे। एक्सप्लोर करने के बाद आपके पास जो है ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने ओपन फाइल करनी है, हमने अभी अभी जो फाइल क्रिएट किया है हम उसको जो है ओपन करेंगे, ठीक है। तो वो फाइल हमारे डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे हमने ये वाली फाइल अभी क्रिएट की है, ओपन करते हैं। तो देखिए छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा एरर आ रहा है, 16 लाइन है और ये फर्स्ट का जो हमने एफ स्मॉल में कर दिया था कैपिटल में आना था, तो इस वजह से देखिए हमारी बैकअप फाइल ओपन नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी चेंजिंग करके दोबारा बताती हूँ। अब यही ऐप हमने बस कैपिटल में करना है, ठीक है। अब इसको सेव कर देना है हमने। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखें स्मॉल छोटी सी गलती से हमारी बैकअप फाइल ओपन नहीं हो रही थी और हमने थोड़ी सी चेंजिंग किया, हमारी बैकअप फाइल जो है ओपन हो गई है। बस इन बातों को ध्यान में रखना है। अब अपने बैकअप फाइल पे काम करना है, रिजल्ट शो करना है, सबने निकाल लिया, ठीक है। बहुत से काम करने होंगे लेकिन जब तक आप लोग जो भी आपका डाटा रियल नंबर में होगा या न्यूमेरिकल वैल्यूज में होगा तो उसको आपने जो है
रिमूव कर देना है रियल इंटीजर करेक्टर वैल्यू जो होती है उसको आपने रिमूव कर देना है, यानी कि आईडी हमारी रियल नंबर में थी तो हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने आईडी को रिमूव किया तो हमारे पास अब बता रहा है ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड, हम चेक करते हैं स्टूडेंट में क्या था। हमारे पास ग्रेजुएटेड और अंडर ग्रेजुएटेड था, इसमें जो 4 है और ये इधर से 3 है। ठीक है, हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएटेड है वो 4 है और जो ग्रेजुएट है वो 3 है। इसके बाद क्लास परफॉर्मेंस, इसमें हमारे पास जो है 4 और 3, यानी हमारे पास 4 नो होंगे और 3 यस होंगे। इसमें असाइनमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, एक गुड, एवरेज और नो का। तो इसमें नो और एवरेज जो है वो दो दो होंगे और गुड इसमें मे भी 3। आपका डाटा जो है ना, आपने एमएस एक्सेल की फाइल जो क्रिएट की थी उसमें ये सारा कुछ हो है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बकायदा रिकॉर्ड की तरह शो करवा रहा है। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर दें, यहाँ से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। एसोसिएट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटी कैसे क्रिएट करते हैं, प्रायोरिटी कैसे काम, प्रायोरिटी पर कैसे काम करते हैं। तो हमने यह प्रायोरिटी पे सिलेक्ट कर लिया इसको, अब इसको स्टार्ट किया तो इसका जो आउटपुट है वो भी शो हो जाएगी। अब देखिए उन्होंने कितनी जल्दी हमें बता दिया है इसकी आउटपुट निकाल के, सारा कुछ बता दिया, स्कीम बता दिया कि वैका का प्रायोरिटी हमने यूज किया है, रिलेशन इसका क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड का हमने रिलेशन बनाया था इसमें। ठीक है, इसमें 7 इंस्टेंस है, जैसे कि आईडी, स्टूडेंट और ये सारा कुछ एट्रीब्यूट हमारे पास 6 है, क्योंकि हमने जो आईडी है वो रिमूव कर दी थी क्योंकि वो रियल नंबर में थी, और इंस्टेंस उसके यानी कि नीचे जो टेबल हम क्रिएट कर रहे थे ना, अंडर ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटेड इस तरह, वो हमारे पास जो रो आ रहा इस तरह आ रहा था ना, वो सारा वो था 7, वो थे 7 इंस्टेंस हमारे पास। ठीक है, ये बता रहा है इसमें। इसके अलावा जो एट्रीब्यूट हमारे पास 6 है वो ये है। ठीक है, इसके अलावा वो बता रहा है L1 जो है उसमें वो 9 आ रहा है, उसमें सेट L2 का सेट जो है 11, L3 का 10, L4 का ये और L5 का ये। इसके अलावा हमारे पास अब ये 10 रूल्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनको 5 भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पे ये वाला व्हाइट बार में जाके क्लिक करना है, आके एक ये शो हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप बता रहे हैं कि आप कितने नंबर रूल्स लेना चाहते हैं, 5 लेने हैं, 10 लेने हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए मैंने 5 किया, ओके किया, तो अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करूंगी। दोबारा से जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो हमारे पास जो ये नंबर रूल थे ये 10 से कितने रह गए, 5। अब आप लोग चाहते हैं नहीं आपके पास 10 ही हो, इस पर क्लिक करें, दोबारा इसको स्टार्ट कर दें, तो ये देखिए आपके पास 5 है। अब इसको 10 में करना है आप लोगों ने, तो 10 में करने के लिए इधर क्लिक किया और 10 लिख के ओके कर दें और इसको स्टार्ट कर दें, तो ये देखें आपके पास फिर 10 आ गया। तो इस तरह आप इसको जो है आउटपुट इसकी आपने निकाल लिया। अब इसको आपने सेव कैसे करना, ये है ना आपके पास 10, इसको आपने सेव करना है, सेव रिजल्ट बफर। अब इसकी फाइल आपने कैसे सेव करनी है, आपने कोई भी नेम दे दें, डबल ए डॉट, आपने एक्सटेंशन इसकी रखनी है TXT टेक्स्ट, यानी कि ये या आपके टेक्स्ट के फॉर्म में सेव हो जाए। अब इसको मैं बंद करने लगी हूँ वैका को। ठीक है, और आपने जो टेक्स्ट फाइल जो है क्रिएट की है वो आपने जो है आगे सेंड कर देती है, वो कहाँ सेव हुई है वो चेक कर। हम यहाँ से सिंपली फाइंड कर लेंगे कि हमारी वैका जो टेक्स्ट की फाइल है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो यह वीडियो पसंद आई होगी, आपने सिंपली वो टेक्स्ट की फाइल को जहाँ भी सेव किया हो उस लोकेशन से आप चेक कर ले और आपका जो है सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। अगर आपको कोई भी इश्यू हो बैकअप फाइल यूज करने में, अगर आपका बैकअप फाइल क्रिएट ना हो रही हो तो आप लोग ये कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ से इश्यू आ रहा है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।